बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डीएम डिजिटल पे प्रोग्राम रैंडम चार्जशीट और मैं हूं आपका मेजबान राजा अंसारी को जमान अंसारी। अलामा इकबाल की खूबसूरत लाइनों से आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अगरचे बुत हैं जमात की लास्तीनों में, मुझे हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, समन कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। 19 अगस्त 2009 को पाकिस्तान की कौमी असेंबली के इजलास में कायदे इख्तलाफ चौधरी निसार अली खान तकरीर कर रहे थे। तकरीर के दौरान उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अराकीन को मुखातिब करते हुए कहा कि आप लोग फैसला करें, आप हुकूमत में हैं या अपोजिशन में, क्योंकि काफी अरसे से यह देखा जा रहा था कि परवेज मुशरफ के जो ट्रायल का जो मामला है उस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो मूड है वो नजर आ रहा है कि वो परवेज मुशरफ की हिमायत कर रही है। बस कायदे इख्तलाफ का ये कहना तो इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया, लेकिन उस दिन कौमी असेंबली में जो कुछ हुआ वो किसी साजिश का नतीजा नहीं था। कायदे इख्तलाफ की तकरीर थी, उस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों का फितरी रद्द अमल, मुख्तलिफ नजरियात और मंशूर रखने वाली जमातें असेंबलियों के अंदर तुम कौन और मैं कौन वाली पॉलिसी और इस तरह की सियासत करती रहती हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। असल गेम शुरू होती है दूसरे दिन से, जब इस वाक्य की खबर अखबारों में शाया होती है, टीवी चैनल्स इसको रिपोर्ट करते हैं, तो लंदन में बैठा शख्स जिसका नाम परवेज मुशरफ है वो और उनके साथियों के कान खड़े हो जाते हैं और वो इस मामले के अंदर एक नई साजिश तैयार करते हैं। वो साजिश क्या है? वो साजिश कुछ यूं है कि 22 अगस्त को एक निजी टेलीविजन चैनल पर एक प्रोग्राम किया गया, उस प्रोग्राम के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज और 1992 में कोर कमांडर कराची जनरल नसीर अख्तर और एमक्यूएम के कौमी असेंबली में डिप्टी पार्लियामेंट मेंबर हैदर अब्बास नजवी साहब को मौजूद किया गया, और 1992 में जो कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ बकौल एमक्यूएम के उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद जो जिन्ना पुर के नक्शे एमक्यूएम के दफातर से और उनकी हेड ऑफिस से मिले थे उसको एक ड्रामा कहा गया कि ये ड्रामा था, ये उनके खिलाफ बहतान था, ये उनके खिलाफ इल्जाम था। लिहाजा प्रेशर डाला गया मुस्लिम लीग नवाज पे, उस वक्त तक नया नवाज शरीफ हुकूमत थी, वजीर आजम थे, उन्होंने कौन से माफी क्यों नहीं मांगी, वो टीवी पे क्यों नहीं आए, उन्होंने इस ऑपरेशन को रुकाने की कोशिश क्यों नहीं की, वो जिम्मेदार हैं, वो जवाब दें, वो माफी मांगे, और पता नहीं क्या क्या इल्जाम का सिलसिला मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ हो गया, और देखते ही देखते मीडिया पर मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के दरमियान एक जंग छिड़ गई। हकीकत इस मामले के पीछे कुछ यूं है कि ये सारा जो मामला है ये जनरल परवेज मुशरफ के ट्रायल को पीछे रखने के लिए बनाया गया है, ताकि जनरल परवेज मुशरफ का ट्रायल किसी दुनिया में गुम हो जाए और इस तरह के नॉन इश्यूज को क्रिएट करके असल इश्यू को पीछे कर दिया जाए। असल हकाय क्या है इस पर तफसील आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमने स्टूडियो में दावत दी, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी अंसर महमूद साहब, आप प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग।